नमस्ते। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं पास्ता पिज्जा। पास्ता पिज्जा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी ये हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। यहाँ हमने पास्ता लिया है, पिज्जा बेस लेना है हमें, नमक स्वाद अनुसार, शिमला मिर्ची के हमने थोड़े बड़े कप्पे किए हैं, ये पिज्जा पास्ता सॉस लिया हमने यहाँ पिज्जा पास्ता सीजनिंग, और प्याज के लंबे कप्पे करे हैं, थोड़े बहुत ही लेना है हमें प्याज, और ऑयल छोटा एक चम्मच, बटर बिल्कुल थोड़ा सा, टोमेटो सॉस दो छोटे चम्मच, चिली सॉस दो छोटे चम्मच, और यहाँ हमने मोजरेला चीज़ लिया है। अब हम ये पास्ता बनाने के लिए पहले पास्ते को बॉईल करेंगे। इसके लिए हम एक बर्तन में पानी गर्म करने रखेंगे पहले। यहाँ हमने पानी को उबाल लेना है। उबाल आने पे, अब उबाल अच्छे से आ गया है, अब हम ये पास्ता इसमें डाल देंगे। ये अच्छे से नरम होना चाहिए, थोड़े हाथों से दबे ऐसे। ये अब उबल गए हैं अच्छे से, अब हम इसमें का पानी पूरा निकाल लेंगे। ये हमने पैन गर्म करने रख ली है, अब हम इसमें जो हमने थोड़ा सा तेल लिया था ये डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हुआ तो हम इसमें प्याज डालेंगे, उसके बाद में प्याज थोड़े से हम 2 मिनट होने देंगे मीडियम आंच पे, बिल्कुल हल्के से होने देना है हमें इसे। अब हम इसमें शिमला मिर्ची भी डालेंगे। अब हम इसमें जो हमने पास्ता उबाला था इसमें का पूरा पानी निकाल के अब ये हम पास्ता इसमें डाल दे रहे हैं, और इसमें जो हमने रेड चिली सॉस लिया था ये डालेंगे, टोमेटो सॉस डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक भी अच्छे से मिक्स करके हम गैस बंद कर लेंगे। अब हम पिज़्ज़ा बेस पे जो हमने बटर लिया था ये लगाएंगे हल्का सा अच्छे से सब तरफ, और इसे प्री हीट करेंगे हम, दोनों साइड से हमें बटर लगाना है। हम इसे दोनों साइड से थोड़ा सेक लेंगे, प्री हीट कर रहे हैं हम इसे, बस ये हो गया है। अब हम इस पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे अच्छे से, पूरी तरफ हमें पतली लेयर लगाना है। ये हमने सॉस लगा लिया है, अब जो हमने पास्ता बनाया है ये इस पे हम रखते जाएंगे अच्छे से सब तरफ। अब हम इस पे चीज़ डालेंगे, इसे हमने रेडी कर लिया है चीज़ डाल के, अब हम इसे फ्राई पैन में बेक करेंगे। ये हमें लगभग 5 मिनट लगे, 5 मिनट में ये पिज़्ज़ा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग जो हमने लिया था ये हम सब में लास्ट में इसे अच्छे से इस पे स्प्रेड करेंगे। इस तरह तैयार है हमारा पास्ता पिज़्ज़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।